सभी को जय यीशु। आज की संध्या होसाना स्तुति आराधना में आप सभी का हार्दिक आमंत्रित करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वचन संख्या 1-2 प्रभु हमको वचन देते हैं। प्रभु की स्तुति करो, वो तारण करता है, वो न्याय करता है, वो हमारी स्तुति लेता है। हम भजन गाते हुए हम उसके मंदिर में प्रवेश करें, उसका नाम लेकर हम स्तुति करें। आइए हम सभी मिलकर उस राजा, वो महान प्रतापी राजा का हम गुणगान करें, उसका जय जयकार करें। हम पूर्ण रूप से हमारे शरीर, मन, शक्ति को हम समर्पित करें और हम वो महान प्रतापी राजा को पूर्ण हृदय से उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि वही एक राजा है जो हमको जीवन दिया है, वही एक प्रतापी राजा है जो हमारे लिए सब कुछ किया है। जो शरीर हमको ईसा ने दिया है, हम उसका नाम का गुणगान करते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। आइए हम एक बार अपने जीवन को पूर्ण रूप से वो मसीहा को समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करते हुए हम उसका जयगान करेंगे।
पिता भी राजा का गुणगान करते हुए हम पर स्तुति करते हुए हम हालेलुया करते हुए हम गाते रहे हम प्रभु के मन को हमारे दिल को प्रभु की ओर लगाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें आराधना करें और प्रभु का पूर्ण रूप से समर्पित करें हम जोर से गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें हालेलुया करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें वही हमारा सृष्टिकर्ता है वही हमको जीवन दिया है हमारे दुख तकलीफ परेशानियों को वही जानने वाला है सब कुछ हमारे लिए करने वाला है हम प्रभु बोलते हुए हम प्रभु की स्तुति करें आराधना करें हालेलुया 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 हम कुछ पल अपने मन को शांत करें हम शांत करें हमारे मन को हम इस समय प्रभु की स्तुति आराधना किया हम प्रभु को हम थोड़ा थोड़ा भी जानने के लिए हमारे मन को हमने उठाया है उस सृष्टिकर्ता को हम पूर्ण रूप से हमारे जीवन को हम दे दें इस स्तुति आराधना में हम पूर्ण रूप से प्रभु में झूम जाएं इस समय हम प्रभु को अपना पूरा कार्य हम समर्पित करें क्योंकि वही हमारी स्तुति लेता है हमारे दुख तकलीफ परेशानियों को हम प्रभु को समर्पित करें हमारे परिवार के सभी दुखों तकलीफ और आर्थिक परेशानियों को हम प्रभु को समर्पित करें प्रभु मेरे जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें हैं दुख तकलीफ है परेशानियां हैं प्रभु आप ही एकमात्र यीशु जो मुझे समझते हैं प्रभु आपने वचन में कहा है यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा मैं तुम्हारे दुखों में आकर तुम्हें सांत्वना दूंगा प्रभु हमारे दुखों में आकर हमें सांत्वना दीजिए हमें शक्ति दीजिए बल दीजिए ताकि प्रभु इस स्तुति में इन दुखों में भी प्रभु आपकी महिमा कर सके आपकी स्तुति कर सके प्रभु हम पढ़ते हैं रोमियो का अध्याय 5 वचन संख्या 3 में ये दुख तकलीफ इसलिए आती है कि आप लोगों को धैर्य मिले दृढ़ता मिले और साहस पूर्वक आप आगे बढ़ते जाए प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ये दुख तकलीफ हमारे लिए आप दृढ़ता लेकर आए हैं तो प्रभु हम सभी दुखों को प्रभु हम आपको समर्पित करते हुए प्रभु हमारे घर में जितने भी हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे खुद के जीवन में जो भी प्रभु परेशानियां हैं हम सब कुछ एक पल हम प्रभु को समर्पित करें हम प्रभु के हाथों में अपने सभी दुखों को हम समर्पित करते हैं आइए मेरे पीछे बोलिए हे प्रभु यीशु मेरे दुखों में आ जाइए हे प्रभु यीशु मेरे संकट में आकर मुझे बल दीजिए हे प्रभु यीशु मेरे परिवार के दुखों में आकर आप सांत्वना दीजिए हे प्रभु यीशु आप ही एकमात्र ईश्वर है जो कि मेरे दुखों को जानते हैं हे प्रभु यीशु हम पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं हालेलुया आइए हम इस समय हम प्रभु के हृदय में हमारे दुखों को
हमारे एक एक दुखों को हम प्रभु को समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, हम इस घड़ी हमारे दुखों को प्रभु हम याद करते हुए हम समर्पित करते हैं। आइए हम समर्पित गाते हुए हम प्रभु को पूर्ण रूप से हम समर्पित करें, और हम हमारे बोझ को हम हल्का करते हुए हम और भी जोश के साथ हम प्रभु को हम स्तुति दे सके। तो आइए हम पूर्ण रूप से हमारे दुखों को समर्पित करते हुए हम समर्पित करेंगे। हमारे दुखों को हम समर्पित करते रहेंगे, गाते रहिए, हमारे बोझ को हम हल्का करें। इस समय प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ही हमको जानते हैं। हम पूर्ण रूप से समर्पित करें, हे प्रभु यीशु, हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु, हमारे दुखों को समर्पित करते हैं, हमारे कष्टों को समर्पित करते हैं प्रभु, हमारे समर्पित को प्रभु आप ठुकरा ही नहीं। प्रभु हमारे दुखों में आकर आप शांति प्रकार आप शिष्यों के जीवन में आकर प्रभु आपने उनको एक शांति पूर्ण दिया प्रभु, वैसे ही हमारे सभी इस आराधना में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रभु आप एक शांति दुख उनके बोझ से हटा दीजिए प्रभु। हम पूर्ण रूप से प्रभु हम समर्पित करते हैं प्रभु, हमारा समर्पित को प्रभु आप ग्रहण कर लीजिए प्रभु, हमारे जीवन पे आ जाइए प्रभु। पुनरुत्थान जीवन देने वाले यीशु को प्रभु हम जान सके। प्रभु आप शांति देने के लिए आए हैं, प्रभु हम शांति देने के लिए आए हैं प्रभु, हम समर्पित करते हैं प्रभु, हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं प्रभु यीशु, हमारे परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु, जिन्होंने हमको दुख दिया है प्रभु उनको भी हम समर्पित करते हैं प्रभु, जिन्होंने हमको ठुकराया है प्रभु, जिन्होंने हमारे दिल को छेदित किया है प्रभु उनको भी हम समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आकर हमको समर्पित करते हैं प्रभु, हमारे साथ प्रभु यीशु, समर्पण प्रभु यीशु। आइए हम इस समय हमारे पूर्ण
पूर्ण रूप से हम प्रभु को समर्पित करते हुए इस समय हमारे दोनों हाथों को हम उठाकर हम पूर्ण रूप से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 शे 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 हालेलुया 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 ईश्वर आराधना हालेलुया 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 ईश्वर आइए 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 प्रभु ईश्वर आपकी महिमा होने प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में हमारे दुखों को प्रभु आप ओढ़ लीजिए प्रभु आप ले लीजिए प्रभु हमें शांति दीजिए प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो जाए प्रभु हमारे जीवन में। हालेलुया 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 हम प्रभु को स्तुति आराधना